पहली बड़ी खबर क्या है यह भी हम आपको बता देते हैं, जिसपे विस्तार से हमारी नजरें होंगी। दरअसल बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है आज, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे से याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति मांगी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इन तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, जिस पर नजर हमारी बनी होगी। एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। ज्ञानवापी को लेकर के आज फिर से सुनवाई, दोनों जो पक्ष हैं उनसे आपत्तियां मांगी गई हैं, और यह कहा गया था कि वो दोनों लोग ले सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ज्ञानवापी में मंदिर का पक्का प्रमाण आज, सर्वे में क्या क्या आज देश के सामने होगा। वीडियो में दिखेगा ज्ञानवापी में शिव स्वरूप, सनातन धर्म को मानने वाले अब औरंगजेब के पाप को धोने के लिए आर पार की लड़ाई छेड़ चुके हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज के सामने आज फिर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सबसे पहले सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी। सुनवाई मुस्लिम पक्ष के रूल 7(11) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये मुकदमा चलने लायक नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर एक सप्ताह में आपत्ति देने को भी कहा था। इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है या नहीं, मुस्लिम पक्ष के आवेदन 35(ग) पर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। इस मामले में जितनी भी याचिका है उन सब पर सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। सनातन साधु संत अदालत के रास्ते अपना हक पाने के लिए संघर्ष पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने 1991 पूजा अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि पूजा अधिनियम 1991 सनातन धर्म से धोखा है और आक्रमणकर्ताओं की बर्बरता को वैध करार देने वाला है। 91 इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये वर्शिप एक्ट 1991 जो हमारा वर्शिप एक्ट है जो पास हो चुका है, ये स्टेटस को रहेगा जो स्थिति है। बहरहाल अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मामले की तर्ज पर काशी में भी सुलह की कोशिश शुरू हो गई है। अयोध्या में सनातन का सच साकार हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब काशी मथुरा की लड़ाई भी सनातनी ही जीतेंगे और 350 साल बाद बाबा विश्वेश्वर मुक्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।